कांग्रेस की चुनावी लिस्ट को लेकर जारी मंथन के बीच नाटकीय घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। पहले खबर आई कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद की खबरें एक बार फिर सामने आ गई। वहीं लिस्ट जारी होने से पहले ही पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। अभी तक चुनाव नहीं लड़ने का मन होने की बात कहने वाले मंत्री ने लिस्ट का इंतजार किए बिना ही जनसंपर्क शुरू कर दिया है। उन्होंने भरतपुर के कुम्हेर गांव पेंगोर के मंदिर में दर्शन कर अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। इस मौके पर वे बोले कि बिना धन दौलत खर्च किए जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। 3 नवंबर को डीग में नामांकन दाखिल करने जाऊंगा। क्षेत्र की जनता का प्यार आशीर्वाद ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूं, लेकिन मुख्यमंत्री और जनता के कहने पर ही चुनाव लड़ रहा हूं। मंत्री ने कहा कि मुझे राजनीति करते हुए 35 साल हो गए। इस दौरान अनुभव हो गया कि कैसे समस्या का समाधान करना है। मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। यहाँ घर घर में लड़ाकर भाई भाई में झगड़ा करवा कर राजनीति की है, मुख्यमंत्री ने कहा है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं बीजेपी से 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। साल 2014 में जब पीएम बने तो वादा किया था कि अरबों खरबों काला धन लाऊंगा और गरीब के बैंक में 15 लाख रुपए देंगे। एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि इस बार चुनाव लड़ना मेरे मन में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा।